के बड़े शौकीन हैं। पर ये कोई मामूली कहानी नहीं है बेटा, सदियों पहले की बात है जब दुनिया पूरी तरह से बनी नहीं थी। सूर्य और चंद्र ने तय किया कि आकाश का एक रखवाला होना चाहिए जो उसे खूबसूरत बनाए और उसकी रखवाली करे, और इसीलिए अपनी शक्तियों से उन्होंने बनाया स्काई ड्रैगन को। और देखते ही देखते उसने आकाश को रोएदार बादलों और झिलमिल तारों से भर दिया। धुंध, हवा, कड़कती बिजली के साथ साथ चारों मौसम जैसे अनोखे चमत्कार उसने रचे और सबका चहेता बन गया। सूर्य चंद्र देवों को हिजार्क का प्रणाम। आओ हिजार्क, बोलो क्या कहना चाहते हो? आप देवों ने हम सबको समान बनाया, पर अब सब मेरी खिल्ली उड़ाते हैं ये कहकर कि स्काई ड्रैगन के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम भी शक्तिशाली हो हिजार्क, आखिर तुम समंदर के रखवाले जो हो। फिर भी अगर आप किसी तरह मुझे साबित करने दें कि स्काई ड्रैगन की ताकत मुझसे बढ़कर नहीं है तो हम किसी तरह की लड़ाई की इजाजत नहीं देंगे। पर मुकाबले की तो दे सकते हैं। तो तय हुआ कि हिजार्क और स्काई ड्रैगन दोनों ही पानी और हवा से कुछ अद्भुत बनाएंगे। जिसका चमत्कार बेहतर होगा वो विजेता माना जाएगा। सात रंगों से सजा इंद्रधनुष, जिसकी सुंदरता सब ऐसे देखते रह गए कि किसी ने हिजार्क की बनाई चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। गुस्से में पिलपिलाता हुआ हिजार्क उस दिन चला तो गया, पर स्काई ड्रैगन के प्रति उसकी जलन नफरत में बदल चुकी थी। कहते हैं हिजार्क की कूटनीति की वजह से ही मौसम बिगड़ता है। पर चाचा, ये ड्रैगन आज तक किसी को दिखाई क्यों नहीं दिया? स्काई ड्रैगन की मर्जी होगी तो एक दिन तुम उसे देखोगे ही नहीं, उसकी सवारी भी करोगे भी। सब बकवास है, मैं तो जा रहा हूँ। शाम काफी हो गई है, हम भी चलते हैं मौसी। हमें तुम्हारी मदद चाहिए भीम। आसमान के सभी जादुई नगर एक एक करके मिट रहे हैं। मेरा राज्य अगड़म भी मुसीबत में है। मगर क्यों? क्योंकि आसमान का रखवाला स्काई ड्रैगन अचानक गायब हो गया है और उसकी जादुई ताकत के बिना आसमान के अंश कायम नहीं रह सकते। यही की तलाश कल से शुरू करें या आज से? दोस्तों की जान को जोखिम में डाल के नहीं। भीम, तुम असली जावार हो। तुमने ठीक कहा, भले ही कोरल किंग की खातिर तुमने अपना दूसरा मौका गवाया, पर अब भी आखिरी द्वार बचा है जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, और वो द्वार ऊपरी आकाश में छिपा है। और इसलिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी इसकी जादुई पोशाक की। उड़ने वाला जादुई पोशाक, इसे पहनकर तुम आकाश लोक में कहीं भी आ जा सकते हो। शुक्रिया मैगी। ड्रैगन, आप हमारे साथ चलिए, मैगी जरूर आपकी मदद कर पाएंगे। चले जाओ यहाँ से, मैं यही ठीक हूँ। स्काई ड्रैगन की अब कोई मदद नहीं कर सकता।
शक्ति वापस मिल गई। तुम जैसे दोस्त का भरोसा जो है मेरे पास। तुम कैसे निकल आए तुम? मैंने तो तुम्हें खत्म ही कर दिया था स्काई ड्रैगन। हाँ मगर पूरी तरह से नहीं। जाना चाहते हैं स्काई ड्रैगन। ठीक है भीम। अलविदा भीम, अलविदा मेरे नन्हे दोस्तों, और शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। तुम्हारे आने वाली चुनौतियों के लिए इसका सही इस्तेमाल करना। छचिंदरो, हम तो आगे ही नहीं बढ़ रहे। बढ़ेगा तो तब ना, जब हमारे चप्पू पानी तक पहुंचेंगे। लो पहुंच गए चप्पू पानी में, अब चलो। दम लगाओ दूधी के छिलको। दौड़ कहाँ तक चलेगी भीम? टूटे पुल के पास चुटकी एक झंडा लेकर खड़ी है, वहीं दौड़ खत्म होता है। भीम, आगे एक बड़ा पत्थर है। ठीक है, नाव को दाई तरफ घुमाओ। अब तो वो गए काम से। गिरी करके नाव को बचा लिया, मगर जीत नहीं पाओगे बच्चू। तुम्हारे दो निखट्टू दोस्तों को मैं चुटकी में हरा दूंगा। रे रुक जा। अरे बेवकूफो, चप्पू और तेज चलाओ। ये मैं समझ ही नहीं पा रहा कि हमारी नाव इनके आगे कैसे आ गई। जग्गू, राजू, हिम्मत मत हारो, तुम कर सकते हो। ओ, जीत की रेखा तो ज्यादा दूर नहीं। जेता है भीम, राजू और जग्गू। भीम, तुमने कर दिखाया। तुम दुनिया के सबसे बढ़िया दोस्त हो। तुम्हारा जन्मदिन कुछ दिनों में ही है ना?
देखना, इस बार हम सब मिलकर तुम्हारे लिए कुछ खास करेंगे। हाँ, कुछ शानदार सा, एकदम हटके। उस्ताद की मार खाने से भी इतनी बुरी हालत नहीं होती जितना आज चप्पू चला कर हुई है। अचानक बहुत ज्यादा कसरत करोगे तो यही होता है, रोज थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करोगे तो क्या पता एक दिन तुम दोनों कालिया से भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ। ज्यादा सपने मत देखो छचुंदरो। क्या मस्त पिटाई की उसकी तुमने भीम। हाँ? राजू संभल कर। राजू तुम ठीक हो ना? मस्त। कर रहे हो? ओ, अच्छा सुनो भीम, पिताजी ने तुम सबको महल बुलाया है। कोई खास बात है क्या इंदु? पता नहीं, पिताजी चाहते हैं कि तुम उनसे मिलो। ठीक है चलो। प्रणाम महाराज। भीम, हर साल नागापुर में एक शूरवीरता त्योहार होता है, वहाँ के राजा मणिरत्न ने हमारे साथ साथ तुम्हें भी आमंत्रित किया है। ये तो अच्छी खबर है। क्या चुटकी, जग्गू और राजू भी आ सकते हैं मेरे साथ? हाँ हाँ क्यों नहीं, कल सुबह तुम सब राजमहल आ जाना, हम सब यहीं से रवाना होंगे। जी महाराज। बेटी ये शूरवीरता त्योहार क्या है? बेटी ये नागापुर का बहुत ही प्राचीन त्योहार है, यहाँ दुनिया भर से शूरवीर युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग लेने आते हैं, जो ये प्रतियोगिता जीतता है वही सबसे ताकतवर माना जाता है। देखते हैं कि इस बार कौन जीतता है। आप सबका नागापुर में स्वागत है। आओ भीम। क्या अब हम उतरे उस्ताद? नहीं, पहले उन सबको जाने दो। जरा देखो तो, लगता है ये पोशाकें मेहमानों के लिए हैं। मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। कितनी भारी है और डरावनी भी। अब डरना बंद करो और यहाँ रखी कोई भी पोशाक पहन लो, फिर हमें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। सर्प शूरवीरों की तरफ से पहले प्रतियोगी मैदान में आ चुके हैं। ये सर्प शूरवीर कितना अद्भुत है। देखते हैं इसके आगे योद्धा शूरवीर कितनी देर तक टिक पाते हैं। जल्दी चलो, दावत शुरू ही होने वाली है। और योद्धा शूरवीरों ने तीन प्रतियोगी भेज दिए हैं मैदान में। इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए मुझे जाकर उन्हें बचाना होगा। ये मेरे दोस्त हैं, कोई योद्धा नहीं, ये गलती से यहाँ आ गए हैं, इन्हें जाने दो। योद्धा हो या ना हो, एक बार यहाँ आ गए तो लड़ना ही होगा। और ये सब का अनोखा
खतरे का सामना कर। ये लीजिए महाराज। भीम, तुमने अपनी ताकत और साहस से एक बार फिर से ढोलकपुर का नाम रोशन किया है। ये मेरा सौभाग्य था महाराज। बचने के लिए ये साइबेरियन क्रेन्स हजारों मील उड़कर यहाँ आती हैं। फिर जब इनके देश में सर्दियाँ खत्म हो जाती हैं, तो ये उसी रास्ते उड़कर वापस चली जाती हैं। हाँ? कालिया, तुम ठीक तो हो ना? चिल्लाए क्यों? ये कैसे गधे हैं? गधे नहीं, ज़ेब्रास। देखा, अब ये हमसे नहीं डरेंगे, हमारे दोस्त बन गए हैं। हमें इन्हें वापस इनके झुंड तक पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। हाँ, वहाँ देखो, इनके पैरों के निशान गीली मिट्टी पर छपे हुए हैं। मतलब जरूर ये ज़ेब्रास उस तरफ से चलकर आए हैं। चलो, हम इन निशानों के साथ साथ उस तरफ चलते हैं। पता चल जाएगा कि ये दोनों आए कहाँ से हैं, और शायद वहाँ इनके बाकी साथी भी मिल जाएं। अपना नौकर नहीं बना सकता। कालिया, वरना ये तो मासूम लग रहा है। बहुत हुआ कांगा। ये कंगारू तो बड़ा ताकतवर है।
नांगा कांगारू, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? देखो, इसे तो चोट लगी है। चोट की वजह से ये खाना नहीं ढूंढ सकता था, इसलिए ये ढोलू भोलू को ले आया अपनी मादा के लिए। आज ये बच्चे जमा हुए हैं हाई जंप की प्रतियोगिता के लिए। इन्हें प्रेरणा मिली जू में एक कैंगरू का करतब देख के। सो आज के मुख्य अतिथि हैं वही ऑस्ट्रेलिया से आए हुए मिस्टर कैंगरू। हर प्रतियोगी को 3 बार मौका मिलेगा 1 हाइट कूदकर पार करने का। शुरू करते हैं आसान हाइट से 1 फुट। तुम्हारे बस की बात नहीं राजू, अब तुम भी जाकर ढोलू भोलू के साथ बैठ जाओ। कुछ कहने की जरूरत नहीं राजू, करके दिखा दो। माफ करना, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, मुझे ज्यादा ही घमंड हो गया था। अगला राउंड शुरू करेंगे 5 फीट की ऊंचाई से। 5 फीट कोई बच्चों का खेल नहीं, फिर भी ये बच्चे बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं, कोशिश करे जा रहे हैं। अभी तक इस राउंड में सिर्फ भीम और जग्गू ये ऊंचाई कूद पाए हैं। अब आ रहे हैं कालिया। वजन कुछ ज्यादा है, मुश्किल हो सकती है। क्या कहा? ये है, ये कालिया, तुम कर सकते हो। वाह, क्या खूब जंप थी। पर अगला राउंड जीतना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये 3 खिलाड़ी कूदेंगे 6 फीट, जो कि ढोलकपुर का हाई जंप रिकॉर्ड है। बहुत ही सुंदर जंप। बहुत खूब, बहुत ही अच्छे। आज कालिया भी फॉर्म में है, पर अब ये देखना है कि भीम और कालिया नया जंप रिकॉर्ड बना पाएंगे। 6 फीट 3 इंच कूद पाएंगे। कोई बात नहीं, अभी आप दोनों के पास 2 चांसेस और हैं। तुम बहुत अच्छा कूद रहे हो कालिया, पूरी कोशिश करना, आज नया रिकॉर्ड बना ही दो। और अब आ रहे हैं कालिया। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ,
मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। कालिया उस्ताद जिंदाबाद, कालिया उस्ताद जिंदाबाद। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? पर प्राइज लेने के लिए अभी थोड़ा और कूदना पड़ेगा। जम जम जम्बूरा जम, तू तू सीख ले पूरा। जम जम जम्बूरा जादू तू सीख ले पूरा। जुम जुम जम जम जम्बूरा जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दू पत्थर उठ जाए पूरा। जुम जुम लड्डू तुझे खिला दू केला तुझे दिला दू जादू तुझे सिखा दू मैं ये पूरा पूरा। जम जम्बूरा जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दू पत्थर उठ जाए पूरा। हवा में लहर जाए वक्त को ठहराए पानी पे चलते जाए हर राग में तू गाए। जादू ऐसा दे तू कोई काम न रहे अधूरा नदियों को जमा दे तू पर्वत को कर दे चूरा। जम जम जम्बूरा जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दू पत्थर उठ जाए पूरा। एक के दो के तीन, तीन के चार, चार के पाँच, पाँच के दस, दस के बीस के तीस, तीस के चालीस, पचास, साठ, सत्तर, अस्सी, नब्बे, पूरे सौ। एक के दो के तीन, तीन के चार बना दे दिन में ही अपने दुश्मन को तू तारे दिखला दे। सूरज को ठंडा करके चांद चला दे पूरा। बोले गुरु हो जा शुरू जमूरा जमूरा। जम 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 जम्बूरा जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दू पत्थर उठ जाए पूरा। लड्डू तुझे खिला दू केला तुझे दिला दू जादू तुझे सिखा दू मैं ये पूरा। जम 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 जम्बूरा जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दू पत्थर उठ जाए पूरा। गिली गिली चकलका मकलका जूम।